देश और दुनिया को, पॉलिटिकल पंडितों को, कुछ लोगों की घिसी पिटी कैसेट है और वही दायरे में फिट कर करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये माना गया कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द परसेप्शन, ये माना गया है। लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले, इसलिए 90% से अधिक ताकतें जो पिछले 50, 60, 70 साल में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वे दो काम करती रहती हैं, किसी भी हालत में हमारे विषय में सही परसेप्शन न बने, किसी भी हालत में न बने। इसके लिए जो भी झूठ का सहारा लेना पड़े लेना पड़े। और दूसरा, एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुंचे, तो दूसरा है हो सके उतने तर्क कुतर्क करके परसेप्शन को बर्बाद किया जाए, बिगाड़ा जाए, एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाए। ये 70 साल तक चला है। पंडितों की ये थियरी होगी कि पॉलिटिक्स अबाउट द परसेप्शन, लेकिन उन पंडितों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन को तबाह करने की लाख कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास्त करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। और वो है, वो दो चीजें, एक है पारदर्शिता और दूसरा है परिश्रम। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितनी ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है जी। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि हमें एस्टैब्लिश इस प्रकार की नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है। साथियों, हम लोगों को लगता है सफलता सरकार और संगठन, इन दोनों के बीच में तालमेल, परफेक्ट सिनर्जी, ये बहुत बड़ी ताकत रखती है। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक इसको साकार किया है। राज्यों में इतनी सरकारें हो, केंद्र में सरकार हो, लेकिन पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है, संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है। और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल, उसका लाभ देश को मिल रहा है, उसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि सरकार का काम है कार्य करना। और इसलिए
एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है, कार्य प्लस कार्यकर्ता, वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है। ये जो करिश्मा दिख रहा है वो कार्य का भी है और कार्य के साथ कार्यकर्ता का भी है। दोनों में से एक होने से होना नहीं है करिश्मा, और इसलिए वर्क एंड वर्कर क्रिएट्स द वंडर। और इसलिए वर्क और वर्कर, ये वंडर की बहुत बड़ी सबसे उद्दीपक कैटलिक एजेंट है जो आज हम कर रहे हैं। सरकार ने काम किया, शौचालय बनाए, घर बनाए, गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, लेकिन ये कार्यकर्ता है जिसने विश्वास पैदा किया कि अभी तो ये शुरुआत है। जिसे नहीं मिला है उसे मिलने वाला है, और जिसे मिला है वो उपकार नहीं, उसके हक का मिला है। ये जो वर्क एंड वर्कर वाला जो सिनर्जी है, जो वंडर करता है, वो आज हर बात में हम देख पाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से दो संकटों से हम गुजरे हैं और लगातार हमें झेलना पड़ता है। जैसे दो शक्ति है, नीति और रीति, जैसे दो शक्ति है नीति और रणनीति, जैसे दो शक्ति है पारदर्शिता और परिश्रम, जैसे दो शक्ति हैं वर्क एंड वर्कर, वैसे ही दो संकट भी हमने झेले हैं। और वो दो संकट है, चाहे केरल लीजिए या कश्मीर ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए या त्रिपुरा ले लीजिए, ये चीजें अखबारों में नहीं छपती हैं, मीडिया में नहीं दिखती हैं। कुछ लोगों की सिलेक्टिव संवेदनशीलता, सिलेक्टिव मानवतावाद इन सत्य को नकारता है, लेकिन हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई है, उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को। बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है, और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेट का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। दूसरा हमारे सामने संकट है, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत
दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं हैं। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अछूत, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात के टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों की मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर टूट पड़ी, आप और गुजरात, गुजरात यानी ऐसा छुआछूत का परसेप्शन बनाते चले हैं। इस चुनौती भी है भारत के लोकतंत्र में, इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम में भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं।